कितना आसान लगता है ना दूसरों का जीवन है ना कहाँ खा सकती हूँ बताइए घर जाती हूँ तो खाती हूँ यहाँ कहाँ खाऊंगी <coughs> शुरू करें तो हेलो आप सबका स्वागत है श्रृंखला आई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो हम लोग समाज शास्त्र पढ़ रहे थे समाज शास्त्र का यूनिट सेकंड उसमें क्या है ये हम डिस्कस कर चुके थे पहली क्लास में हमारी उसके बाद हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी पहले सिलेबस समझा था उसके बाद हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें हैं समाज शास्त्र का मीनिंग क्या है समाज क्या होता है इस तरह की चीज़ें उसके अलावा फिर हमने देखा था कि आ, समाज की विशेषताएं क्या क्या है आज जो हम लोग देखने वाले हैं सॉरी समाज किन किन तत्वों से मिलकर बना ये हमने देखा था आज हम देखने वाले हैं समाज की विशेषताएं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं समाज की ठीक है हम्म तो आज लिखेंगे भी थोड़ा थोड़ा है ना तो कॉपी पेन हाँ ठंड लग रही है क्या नहीं ठीक है वो मेरे लिए सेट है <laughs> नहीं एसी इधर आ जाइए इतनी गर्मी में वैसे ठंड लगनी नहीं चाहिए चलिए तो आज डिस्कस करेंगे समाज की विशेषताएं जिसमें सबसे पहले आप लोग को दिख रहा है एक से अधिक सदस्य क्या समझ आ रहा है इससे एक से अधिक सदस्य से समाज हमेशा एक से अधिक लोग से ही होगा ना और आप लोगों ने जब समाज के तत्व पढ़े हैं तो वहां पे आप लोगों ने निर्भरता भी देखी यानी हर व्यक्ति का हर व्यक्ति पर क्या है निर्भरता भी है तो अगर आपको समाज में सर्वाइव करना है तो आपको क्या क्या, क्या कैसे रहना होगा सभी के साथ रहना पड़ेगा ठीक है तो ये क्या है एक से इसके कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता में सबसे पहली चीज क्या है एक से अधिक सदस्य यानी ज्यादा लोग रहते हैं ठीक है थीके? अब समाज का सदस्य हम उन लोग को नहीं मानते हैं जैसे हो गया मॉन्क मतलब जो लोग पहाड़ में चले गए तपस्या करने चले गए दुनिया से कट के अलग रहते होते ना ऐसे ऋषि मुनि जो पहले होते थे अब तो क्या ही है ठीक है तो अभी भी होते हैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो जाए तो क्या है वो समाज में हमारे यहाँ पे वो काउंट नहीं होंगे ठीक है बेसिकली ये हमारे लिए तो क्या है समाज का कैरेक्टरिस्टिक पहला क्या है कि एक से अधिक सदस्य होते हैं बिल्कुल जो हमको पता है दूसरा आता है वृहद संस्कृति वृहद संस्कृति मतलब वृहद मतलब बहुत बड़ा ठीक है व्यापक और संस्कृति जो हमारा वेशभूषा है रहन सहन है ठीक है खान है इसी को संस्कृति कहते हैं ना कुछ अलग थोड़ी है अब यहाँ पे संस्कृति तो हमारे यहाँ जैसे कि लास्ट क्लास में मैं समझाने के लिए बताई थी कि हम समाज से कई चीजों को कनेक्ट करते हैं जैसे कि हमारे यहाँ जो समाज है तो हम इस हिसाब से बहुत छोटे छोटे अलग समाजों को देखते हैं जैसे कि मैंने बोला था कि जाति के हिसाब से किसके हिसाब से जाति के हिसाब से कि अलग अलग जाति है तो उनके अलग अलग क्या है समाज है अब ये जाति अपना एक समाज बनाया होता है क्यों किस हिसाब से तो इनके उसमें इनके खान पान वेशभूषा रहन सहन सब क्या होता है एक जैसा होता है होता है कि नहीं होता है कल भी परसों भी जिस दिन भी क्लास लगी थी उस दिन भी ये डिस्कस हुआ था ठीक है तो ऐसे कितनी जातियां हैं जिन्होंने अपने अपने समाज बना रखे हैं यानी कि क्या है बहुत सारा समाज है ऐसे छोटे-छोटे अगर देखा जाए तो ठीक है अब इन समाज की बहुत अपनी पर्सनल पर्सनल संस्कृति हो गई क्योंकि उनकी वही है रहन सहन खान पान उनको हम संस्कृति में ऐड कर रहे हैं तो अभी अगर पूरे देश या पूरे समाज की बात करें यानी पूरे देश के तो क्या होगी संस्कृति कैसी हो गई हमारी वृहद हो गई बहुत बड़ी संस्कृति हो गई क्यों कई तरह की संस्कृतियों से मिलके बन रहा है लेकिन फिर भी भारत का अपना एक पर्सनल संस्कृति है है कि नहीं यूएस से कंपेयर करें तो हमारी संस्कृति कैसी है डिफरेंट है बहुत अलग है तो यहाँ पे फिर हम इन जाति या इनके हिसाब से जो छोटे छोटे समाज है इनको यहाँ पे नहीं देखेंगे ये सब मिलकर एक क्या बनाएंगी भारत की संस्कृति बनाएंगी ठीक है नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग किसपे संरचना ठीक तो अब संरचना क्या है तो संरचना बेसिकली यही चीज है कि क्या है? हाँ कि इन सबसे क्या है चीजों से मिलकर बन रही है संरचना जो तत्व में हम पढ़े थे ना सारी चीजें तत्व में हमने जो जो पढ़ा था वही चीजें संरचना में आएंगी क्या क्या पढ़ा था तत्व में क्या क्या होगी समाज में चीजें कुछ याद है कि भूल गए सारा कुछ याद नहीं है अब क्या इसमें अंतर संबंध पढ़ा था आपने कि आपसी संबंध रहेगा समन्वय रहेगा यानी बैलेंस रहेगा एक दूसरे से बना के चलना है नियंत्रण तो समाज का थोड़ा हम पे क्या रहेगा नियंत्रण भी रहेगा सही गलत की चीजों को लेकर के जटिल व्यवस्था व्यवस्था थोड़ी सी जटिल है इस पर भी डिस्कस हुआ था कि इसके कारण हम थोड़ा समस्याएं भी फेस करते हैं या हमको फील होती है समस्याएं ठीक है अमूर्त रूप तो क्या है अमूर्त है हम उसको देख या छू नहीं सकते हैं सिर्फ फील कर सकते हैं ऐसा ही है ना कि देख सकते हैं नहीं देख सकते और स्वतंत्रता तो आप लोग सोच रहे थे कि जब व्यवस्था इतनी जटिल है तो स्वतंत्रता कैसी होगी तब भी मैंने बताया था कि कुछ हिस्सों से हम समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता भी है जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था एक परिवार का जिसमें माँ बाप बच्चा और दादा दादी थे याद आ रहा है कुछ तो वहां पे हमने स्वतंत्रता का एग्जाम्पल समझा था ठीक है निर्भरता एक दूसरे पे निर्भर होते हैं कहीं ना कहीं किसी ने ये भी समझाया था मैंने हर व्यक्ति एक दूसरे पे क्या है निर्भर है ठीक उसके अलावा परिवारों का समूह तो कई परिवार के समूह मिलकर एक समाज बनाएंगे यही बात किया था हम लोगों ने ठीक है तो ये सब क्या हो गया ये सारी चीजें ये जो तत्व पढ़े थे यही क्या हो गई हमारी यहाँ पे संरचना ठीक अब सामाजिक संबंधों का दायरा सामाजिक संबंधों के दायरे से क्या समझ में आ रही बात तो समाज में जो जो भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता है तो आपका उससे कुछ ना कुछ संबंध होगा ठीक है आप कुछ ना कुछ रिश्तेदारी नहीं तो दोस्ती यारी कुछ ना कुछ तो आप बनाओगे उससे ना कि कुछ ना कुछ आ, ऐसा थोड़ी कि हवा में मतलब कुछ भी हो कि ऐसा ही, वो क्या है तो कुछ नहीं है ऐसा है ना सबका अपना एक संबंध होता है काम के हिसाब से अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ऐसा तो हम लोग का अलग से कोई पर्सनल संबंध नहीं है लेकिन हमारा कैसा हो गया एक टीचर स्टूडेंट का संबंध बन गया यानी हर एक क्या होता है एक संबंध होता है एक संबंध अपने आप बन जाता है ठीक है ऐसे माँ बाप होते हैं भाई बहन होते हैं रिश्तेदार होते हैं तो ये क्या है ये पूरे संबंध है समाज के ठीक है अब इन संबंधों के दायरे बोलने का मतलब जो भी आपका संबंध रहेगा समाज में किसी भी व्यक्ति से उसके अपनी लिमिटेशन होंगे कि आप उससे स्पेसिफिक प्रकार से ही बिहेव करोगे ठीक है जैसा कि आप अपने दोस्त से बिहेव कर सकते हो अपने पिताजी से वैसा बिहेव नहीं कर सकते हो ठीक है आपकी उसकी लिमिटेशन है उसके दायरे कि आप अपने पिताजी से कैसे बात करोगे उनके साथ कैसा बिहेव करोगे अपने दोस्तों के साथ आप अलग तरह का बिहेव करते हो ठीक है अपनी माँ के साथ अलग तरह का बिहेव करते हो माँ और बाप के साथ ही रिश्ते में काफी डिफरेंस आ जाता है मम्मी से बहुत बार ऐसा होते हैं हम लोग की माँ से मैग्जिम हम लोग ज्यादा ओपन रहते हैं ठीक है पिताजी से इतने ओपन नहीं होते हैं ठीक है तो ये भी क्या है ये संबंधों के क्या है दायरे हैं है ना कि हम लोग किससे क्या है किस तरह की कम्युनिकेशन uh, या किस तरह का बातचीत है हमारा उसी से संबंध बनता है ठीक तो ये हो गया सामाजिक संबंध का दायरा आते हैं अब श्रम विभाजन क्या समझ में आ रहा है ये तो इकोनॉमी में वर्ड पढ़ा होगा आप लोग आप लोगों ने श्रम विभाजन वर्ड क्या है श्रम विभाजन क्या समझ में आ रहा है हिस्ट्री में भी समझा होगा इसको थोड़ा बहुत इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा ये वर्ड नया तो नहीं होना चाहिए बेसिकली कामों का बंटवारा ठीक हिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा था ना कि सबके अलग अलग काम है ब्राह्मण पूजा पाठ करा रहा है वैश्य बिजनेस क्लास हो गया शूद्र सेवा करते हैं ये सब पढ़ा कि नहीं पढ़ा है पढ़ा है इकोनॉमी में आज के परिपेक्ष में भी ये पढ़ा है ठीक है श्रम विभाजन के बारे में यानी बेसिकली पूरा समाज है वो अलग अलग कामों के हिसाब से भी बटा है बटा है कि नहीं सब अलग अलग काम करते हैं जैसे कि जैसे अब कोई जैसे आ, किसी की दुकान है ठीक है कोई खेती कर रहा है ठीक कोई आई ऑफिसर है अब देखो देखा जाए तो हैरारकी हमारी ऐसी है सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति यहाँ पे होगा लेकिन जगह एक की ही है सबसे ऊपर में एक ही की जगह है ना जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे यहाँ पे ज्यादा लोग इंक्लूड होते जाएंगे ज्यादा जगह बढ़ती जा रही है तो पॉसिबिलिटी ये है ना कि सबसे ऊपर कमी लोग पहुंचेंगे नीचे ज्यादातर लोग रहेंगे सब पावरफुल पोजीशन में जाना चाहते हैं सब ऊपर तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन सब वहां तक नहीं हो सकते हैं तो इसीलिए क्या हुआ है कामों का विभाजन हुआ है बंटवारा हुआ है और काम भी सही प्रकार से होगा देखा जाए तो श्रम विभाजन के कारण कर, काम भी अब सोचो सब लोगों को जॉब करनी हो ठीक है एक साथ जनसंख्या भी इतनी सारी इतनी तेजी से बढ़ रही है सबको काम करना है पैसे कमाने हैं ठीक है, है? सबको पैसा कमाना है लेकिन सब अब चले गए जॉब करने शहर में तो अब खेत में कोई नहीं रहेगा गांव में कोई नहीं रहेगा तो हम हम शहर में जाकर पैसा तो कमा रहे हैं नौकरी करके पर जब खाने का अन्न ही नहीं उग रहा है तो आप पैसा पे करके अन्न कहाँ से खरीदोगे नहीं कर सकते हो ना तो इसीलिए हर व्यक्ति का काम बटा हुआ है बेसिकली ठीक है कि क्या है कौन क्या ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि आप यही करो ये करो ये वाला टाइम जा चुका है हिस्ट्री में ये वाला टाइम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फलाने जाति का काम फलाना करेगा ये इसी का काम करेगा ऐसा फिक्स था ना पहले पढ़ा है ना हिस्ट्री में वैदिक पीरियड में भी ऐसा था उसके बाद भी ऐसा रहा है कि क्या है सबके काम बटे हुए थे कि भाई ये काम अब हमारे पास यहाँ पे हमारी सोसाइटी में काम नहीं बटा हुआ है लेकिन अब हम बाय चॉइस कर रहे हैं कि, कि किसका किसमें इंटरेस्ट है ठीक पर बहुत अच्छी चीज है श्रम विभाजन पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ श्रम श्रम विभाजन में इक्वेलिटी नहीं है बोलने का मतलब समानता तो ठीक है हिंदी ट्रांसलेशन कर दिए किस हिसाब से क्या बोल रही हूँ बोलने का मतलब <coughs> 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 ये वाला टाइम तो गया अब देखा जाए तो क्योंकि आपके काम से आप पहचाने जाते हो मतलब चीजें हो रही मैं मना नहीं कर रही हूँ जाति वाला लेकिन जो मेन प्रॉब्लम था जाति वाला कि काम उस हिसाब से बट रहा है काम में तो अब ये गया अब कोई डिप्टी कलेक्टर है और वो किसी नीचे जाति का है और कोई पटवारी है वो किसी ऊपर जाति का है लेकिन वो डिप्टी कलेक्टर से होशियारी तो नहीं मार सकता है उसको भी पता है ये बात है ना तो यहाँ पे तो ये नहीं लागू होता है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है मैं कैसी असमानता की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे पैसे की असमानता की रुपए की असमानता की बात कर रही हूँ मतलब क्या एक कारपेंटर जितना पे होगा उतना ही एक आई ऑफिसर पे होता है नहीं होता है ठीक है हमारे यहाँ क्या है हैरारकी के हिसाब से यानी जो जितने पावरफुल पोजीशन में है वो उतना अच्छा कमा रहा है और ये जितने नीचे आते जा रहे हैं यानी लोगों की यहाँ जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है और इनका पे स्केल भी कम होता जा रहा है ऐसा ही है ना जितना नीचे है उतना पे स्केल कम है फिर उसके बाद लोग भी कम हो रहे हैं पे स्केल बढ़ रहा है फिर लोग कम हो रहे हैं पे स्केल बढ़ रहा लोग कम हो रहे हैं पे स्केल बढ़ रहा है ऐसा ही है ऐसा है कि नहीं गलत बता रही हूँ ठीक बता रही हूँ ना ऐसा ही है ठीक तो ये हमारी क्या है हमारे यहाँ विभाजन का समस्या है ये वाला है ठीक है विभाजन तो बहुत जरूरी है अब अगर देखा जाए तो बहुत सब कुछ बहुत अच्छे हिसाब से होता है श्रम विभाजन भी इसलिए नहीं किया गया था पहले के टाइम में भी कि किसी को जातिगत भेदभाव करना था लेकिन अगर अच्छा है ना काम बटा रहे तो अब उसको हम लोग बिगाड़ते हैं अब फॉर एग्जाम्पल अगर घर में ही ये था कि स्त्री घर का, का काम करेगी पुरुष बाहर जाके काम करेगा तो ये भी बहुत अच्छे मेंटेलिटी से यह चीज बनाया गया था उस टाइम पे भी किस क्योंकि अब देखो घर में अगर एक बच्चा भी है या कुछ भी है तो अच्छा है ना कि एक व्यक्ति बाहर का, का काम संभालेगा एक घर का दोनों जाके बाहर का काम संभाल रहे हैं तो घर का काम सब अव्यवस्था फैल गई दोनों घर पे है तो बाहर से पैसे कैसे आएंगे ठीक है तब भी अव्यवस्था ही है तो ये बहुत अच्छे हिसाब से ये सब श्रम विभाजन यहाँ पे भी देखा जाए तो जेंडर के हिसाब से भी श्रम विभाजन किया गया था दिक्कत आने आने लगती है? दिक्कत यहाँ आने लगती है? है दिक्कत जब अपने आप एक कम्युनिटी दूसरे को कम समझने लगती है अब प्रॉब्लम भी यहाँ पे क्यों आ रही है किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है कि बाहर जाके पैसा कमाने वाला खुद को सुपीरियर समझ रहा है और जो व्यक्ति घर में बैठ के काम कर रहा है उसके काम को कम आका जा रहा है कम समझा जा रहा है ठीक जबकि बहुत जगह विदेशों में अपने यहां ये है कि श्रम विभाजन में वहां पे आ, सफाई करने वाले या झाड़ू पोछा लगाने वालों का पे स्केल भी इतना अच्छा रहता है कि क्या है इक्वल पाते हैं वो एक आईटी कंपनी में जॉब करने वाला व्यक्ति और एक सफाई करने वाला झाड़ू पोछा लगाने वाले व्यक्ति का बहुत बार सैलरी बराबर होता है या आसपास होता है विदेशों में इसीलिए आप देखोगे विदेशों में हाउस हेल्प नहीं मिलते हैं विदेशों में लोग जाते हैं तो रोते रहते हैं आपके कोई दोस्त परिवार संबंध वाले लोग होंगे विदेश में तो आप उनसे पूछना वो परेशान रहते हैं क्यों हमारी इंडिया में आदत है हाउस हेल्प की हर घर में खाना बनाने वाली झाड़ू पोछा लगाने वाली अलग अलग सारे काम करने वाले हम लगा के रखे हैं क्यों? क्योंकि हमारा पे स्केल उनके कंपेयर में बहुत ज्यादा है हम उनको पे कर सकते हैं पर वहां पे उनका पे स्केल ऐसा सेट है कि वो तुम्हारे आसपास कमा रहे हैं तो अगर उनकी वो इतना पैसा डिमांड कर रहे हैं जितना तुम कमा रहे हो या तुम्हारी सैलरी का हाफ ऑफ सैलरी वो मांग रहे हैं अगर तुम दस रुपए कमा रहे हो तो पांच रुपए तुम अपने झाड़ू पोछा वाले को तो नहीं दे सकते ना तुम सोचो कि खुद ही झाड़ू पोछा कर लेंगे है कि नहीं नहीं तो बचेगा क्या बाकी तो और भी खर्चे हैं आप रेंट दोगे बाकी चीजें करोगे तो क्या एक रुपए के लिए आप कमा रहे थे कुछ नहीं बच रहा आपके पास तो ये क्या है ये श्रम विभाजन है और ये श्रम विभाजन की समस्या है हमारे घर ठीक हमारे भारत में ठीक अब है काम प्रजनन तो यहाँ दो वर्ड दिख रहा है काम और प्रजनन तो बेसिकली यहाँ पे किसकी बात होगी यहाँ पे बात होगी समाज को बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे ठीक है अब समाज कैसे बढ़ेगा तो समाज कैसे बढ़ेगा जैसे वंश बढ़ेगा उसी तरीके से बढ़ेगा यानी क्या है मा, आ, माता पिता और उसका बच्चा या उसकी औलाद जो भी है ठीक है तो अब क्या ये भी बहुत समाज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर अचानक से बिल्कुल ही ये सिस्टम रोक दिया जाए कि भाई अब न, या फिर सारे लोग ऐसा मन मना ले कि नहीं बच्चा करना है या फिर नहीं अपनी पुस्त बढ़ाना है नहीं वंश बढ़ाना है जो भी है तो क्या होगा समाज तो बढ़ेगा ही नहीं समाज रुक जाएगा अब हमारा चाहे संस्कृति है चाहे जो भी चीजें जो भी हमारी विरासत है हम बनाते हैं और हम नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं यही करते हैं ना हम बनाते हैं आगे भेजते हैं फिर वो वाला वो बनाते हैं, फिर वो बनाते आगे आगे फिर देंगे बहुत सारी चीज हमको अपने पुस्तों से मिलती है मिलती है कि नहीं प्रॉपर्टी भी है ना जिसके लिए बड़े खुश होते हैं कि अरे प्रॉपर्टी मिली है और जिनको नहीं मिली होती वो बड़े दुखी भी होते हैं कि अरे क्या ही करे मेरे पूर्वज कुछ नहीं पाए हम ये भी होता है ना हम्म तो ये उसकी बात हो रही है ठीक है अब हमारे यहाँ समस्या क्या है हमारे यहाँ समस्या है जनसंख्या वृद्धि हमारे यहाँ जरूर समस्या है जनसंख्या वृद्धि लेकिन हम इसके लिए इसको बिल्कुल ही नहीं रोक सकते कि इसको जीरो पे लेकर आ जाए ठीक है क्यों क्योंकि फिर हमारा समाज नहीं बढ़ेगा फिर वही वाली प्रॉब्लम होगी कौन सी वाली बता रही थी उस दिन पढ़ा रही थी जब क्लास में चाइना वाली प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे साथ है ना कि पता चला रोक दिए तो क्या हुआ एक टाइम ऐसा आ गया कि जब हमारे पास कोई यंग पॉपुलेशन ही नहीं है ठीक है उसके बाद फिर बच्चे पैदा करने लगे लोग तो या तो बहुत ही छोटे हैं या तो सारे बुड्ढे हो गए हैं ठीक है हालांकि यहाँ पे तो ये इकोनॉमी को ज्यादा फर्क डालता है ये वाली चीज जो मैं बोल रही हूँ पर बेसिकली बच्चा पैदा करना या फिर वंश बढ़ाना बहुत जरूरी है समाज के लिए भी हमारे कल्चर के लिए भी तभी चीजें आगे की ओर पास होंगी आगे की ओर जाएंगी ठीक है तो ये क्या है सामाजिक समाज की विशेषताएं अभी हेडिंग डाल लीजिए समाज की विशेषताएं लिखेंगे इसी को जो समझा हमने हाँ लिखना है समाज की विशेषताएं काम चोरी कर लो सारी है ना क्या समय की बचत करो तो सही उपयोग करिए पढ़िए लिखिए चलिए समाज की विशेषताएं पॉइंट नंबर वन क्या लिखेंगे एक से अधिक सदस्य तो लिखिए कोई भी समाज हो कोई भी समाज हो उसके लिए एक से अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती है उसके लिए एक से अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती है अकेला व्यक्ति जीवन यापन नहीं कर सकता है अकेला व्यक्ति जीवन यापन नहीं कर सकता है और यदि वह किसी तरह जीवन निर्वाह कर भी लेता है और यदि वह किसी भी तरह जीवन निर्वाह कर भी लेता है तब भी वह समाज नहीं कहा जाएगा या नहीं कहा जा सकता है तब भी वह समाज नहीं कहा जा सकता है बोलने का मतलब क्या है? कि समाज हमेशा एक से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनेगा और यह भी दावा किया गया है कि भाई एक अकेला व्यक्ति कभी समाज में जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है और यदि कोई कर लेता है जैसे कि मैंने बोला कोई साधु संत या चला जाता है ठीक है अपना जीवन निकाल भी दिया वो अकेले रह के तो फिर वो समाज में काउंट नहीं होगा ठीक है तो मतलब इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये एक्सेप्शन है, ये भी तो का पार्ट, है. नहीं, वो का पार्ट नहीं है ठीक चलिए समाज लिए यह अनिवार्य है कि समाज के लिए यह अनिवार्य है, है कि उसमें दो या अधिक व्यक्ति हो उसमें दो या अधिक व्यक्ति हो साधु सन्यासी, योगी आदि साधु सन्यासी, योगी आदि जो कि जंगलों में निवास करते हैं जो जंगलों में निवास करते हैं तपस्या या साधना का जीवन बिताते हैं तपस्या या साधना का जीवन बिताते हैं बिताते हैं समाज नहीं कहे जा सकते समाज नहीं कहे जा सकते समझ आ गई बात तो बेसिकली समाज की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पहला विशेषता वो यही है कि क्या है दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए ठीक है चलिए दूसरा हेडिंग डाल दीजिए वृहद संस्कृति वृहद संस्कृति बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो तो जगह बदल सकते हैं समाज में अगणित समूह होते हैं यानी अगणित मतलब गिना ना जा सके जिनको ठीक है या अनगिनत जिनको बोलते हैं आप लोग यानी बहुत सारे समूह हैं <coughs> समाज में अगणित समूह होते हैं इन समूहों को जातीय समूह कहते हैं जो कि मैंने बताया कि जो यहाँ पे छोटे छोटे आपको समूह दिखेंगे समाज दिखेंगे वो किस आधार पे बने हैं जाति के आधार पे बने है ना क्या कहते हैं इनको जातीय समूह कहते हैं यानी कि जैसे मैंने बताया कि अपना अपना समाज बनाए होते हैं ना जैसे कि सिंधी समाज बनाए हैं तो अपना नियम कानून फॉलो कर रहे हैं राजपूत समाज बनाए हुए हैं वेशभूषा खान पान नियम कानून रीति रिवाज उस हिसाब से कर रहे हैं तो इस तरह के अलग अलग जात के आधार पे जो समूह है उनकी बात हो रही है ठीक है तो क्या बोले समाज में आगढ़ समूह होते हैं इन समूहों को जातीय समूह कहते हैं इन जातीय समूहों की अपनी एक संस्कृति होती है इन जातीय समूहों की अपनी एक संस्कृति होती है एक सामान्य भाषा एक सामान्य भाषा खान पान एक सामान्य भाषा खान पान जीवन पद्धति इत्यादि होता है कहां तक लिखा पूरा लिख लिया हम्म तो बेसिकली जो मैंने बताया यहाँ पे कि क्या है जो जाति के आधार पे समाज बनाए जा रहे हैं उनका सब कुछ अपना अलग है और क्या है वो एक जैसे मिलते हैं इसीलिए वो अपना एक समाज बनाए हुए ठीक है।, है इस तरह की बहुल उप संस्कृतियां इस तरह की बहुल उप संस्कृतियां जब एक देश के क्षेत्र में मिल जाती हैं इस तरह की बहुल उप संस्कृतियां जब एक देश के क्षेत्र में मिल जाती हैं तो वो फिर एक क्या बनाती हैं? वृहद संस्कृति का निर्माण करती हैं। यानी ये छोटी छोटी सभी संस्कृतियां मिलके एक बड़ी संस्कृति बना रही है है ना तो वे एक वृहद संस्कृति का निर्माण करती हैं। जब हम भारतीय समाज की चर्चा करते हैं समाज व संस्कृति की जब हम भारतीय समाज व संस्कृति की चर्चा करते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य यह है कि कि यह एक वृहद संस्कृति है जिसमें कई संस्कृतियां पाई जाती हैं। तात्पर्य यह है कि यह एक वृहद संस्कृति है जिसमें कई संस्कृतियां पाई जाती हैं हमारे देश में अनेका अनेक हमारे देश में अनेका अनेक उप संस्कृतियां हैं एक और इस देश में एक और इस देश में गुजराती पंजाबी गुजराती मतलब बोल दें तो डांडिया संस्कृति भांगड़ा संस्कृति ठीक है गुजराती पंजाबी यानी डांडिया भांगड़ा संस्कृति है तो वही है तो वही बांग्ला संस्कृति भी है ठीक उप संस्कृतियों में विभिन्नता होते हुए भी उप संस्कृतियों में विभिन्नता होते हुए भी कुछ ऐसे मूलभूत तत्व हैं जो इन संस्कृतियों को जोड़कर जो इन संस्कृतियों को जोड़कर भारतीय संस्कृति बनाते हैं अच्छा मैंने बोला ना कि आप अगर पर्सनल पर्सनल देखोगे तो लगेगा कि इनका कल्चर बहुत अलग है हमारे यहाँ बहुत कुछ अलग होता है ठीक है लेकिन आप जब ओवरऑल में देखोगे तो मैंने बोला आप इंडिया के कल्चर का कंपेयर करोगे यूएस के कम कल्चर से तो अलग है कि नहीं पूरा इंडियन कल्चर आपको एक सा लगेगा और यूएस कल्चर बहुत अलग लगेगा मतलब ये संस्कृतियां ये ये जो कल्चर है जाती जाति और छोटे छोटे समाज का ये अलग है लेकिन फिर भी इनके बेसिक्स क्या है एक जैसे हैं तब तो अगर हम पूरे एक भारत को देखते हैं तो एक भारत की संस्कृति एक जैसी लगती है और यूएस या यूरोप की कंट्रियों की क्या है संस्कृति हमसे काफी अलग लगती है अब हमें अपने यहाँ की कोई भी संस्कृति दूसरे जाति की या दूसरे समाज की इतनी अलग तो नहीं लगती है जितनी हमें यूएस या यूरोप की संस्कृति अलग लग सकती है यानी कुछ मूलभूत तत्व हैं जो हमको क्या है जोड़ करके रखे हुए हैं जो हमारी सभी की संस्कृतियों में कॉमन है गई ठीक है लिख लीजिए इसके आगे यही बात लिख लीजिए ठीक है वैसे तो हमारे संस्कृति और आ, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान में भी हमारे संविधान में भी चीजें बताई गई हैं ना कि आप अपने संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं उसको बढ़ावा दे सकते हैं किस आर्टिकल में है चलिए तो आगे लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में जब हम जब हम अमेरिका और यूरोपीय समाजों की बात करते हैं जब हम अमेरिका और यूरोपीय समाज की बात करते हैं तो इन समाज में कई उप संस्कृतियां या फिर यह समाज कई उपसंस्कृतियों से ऐसा लिखिए यह समाज कई उपसंस्कृतियों से जब हम अमेरिका और यूरोपीय समाज की बात करते हैं तो यह समाज कई उप संस्कृतियों से बनी वृहद संस्कृति होती है तो जैसे हमारी संस्कृति बनी है ये भी कई उपसंस्कृतियों से मिलकर के बना है अमेरिका या फिर यूरोप की संस्कृति जो, हमा, जो हम जो हमसे या हमारी संस्कृति से काफी विभिन्नता रखती है ठीक अब आते हैं हम लोग सामाजिक संबंधों के दायरे में ठीक है संरचना इसमें हालांकि जबरदस्ती का यहाँ पे ऐड कर दी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे कल ठीक है सामाजिक संबंधों का दायरा अब हेडिंग क्या बनेगा सामाजिक संबंधों का दायरा अब है बड़ा तो है ज्यादा हो जाएगा ऐसे जैसा है जैसे ऐसे लिखते हैं आप वही है और क्या है कुछ अलग थोड़ी है सारे टॉपिक ही वही है कि जो आपके ऐसे में आ जाए सारे टॉपिक वही है कि जो आपके ऐसे में आ जाए कुछ अलग थोड़ी है चलिए तो सामाजिक संबंधों के दायरे को मैंने समझाया था कि भाई सबसे अलग अलग आपका कुछ ना कुछ संबंध होता है ना कोई ना कोई संबंध सबसे आपका बन जाता है और उस हिसाब से आपका उनसे बिहेवियर रहता है आपके लिमिटेशंस होते हैं आपके बिहेवियर होते हैं ठीक है चलिए लिख लीजिए समाज के सदस्यों के समाज के सदस्यों के संबंध विभिन्न प्रकार के होते हैं समाज जितना जटिल होगा संबंध भी उतने ही भिन्न और जटिल होंगे यानी कि अगर समाज बहुत स्ट्रिक्ट है हर चीज को लेकर के तो वो आपको भी क्या है फॉलो करना पड़ेगा ठीक है लो बोल देती फिर से समाज के सदस्यों के संबंध विभिन्न प्रकार के होते हैं समाज जितना जटिल होगा संबंध भी उतने ही भिन्न और जटिल होंगे संबंध कई तरह के होते हैं जैसे संबंध कई प्रकार के होते हैं ठीक जैसे पति पत्नी मालिक मजदूर पति पत्नी मालिक मजदूर व्यापारी उपभोक्ता अच्छा चलिए ये तीन संबंध देखा आप लोगों ने अब तीनों के बारे में सोचिए सबका बिहेवियर एक दूसरे से एकदम अलग होगा मालिक मजदूर से बिहेवियर एकदम अलग होगा शायद हो सकता है बहुत ऑथोरिटेटिव हो मालिक मजदूर से या फिर जिससे काम करा रहा है अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है उससे रूड है या फिर उसको उससे क्या है थोड़ा ऐसा है कि स्ट्रिक्ट है जैसे वो काम ज्यादा करे ठीक व्यापारी को उपभोक्ता में देखेंगे तो बहुत मीठा मीठा आपस में बात करेंगे या फिर व्यापारी चाहेगा कि भाई हमारी ग्राहकी बनी रहे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे कन्विंस करेगा उसको अपने दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा ऐसी बातें करेंगे पति पत्नी कैसी बात करेंगे पति पत्नी अपने घर के बारे में बात करेंगे खाने पीने के बात करेंगे ठीक है कभी प्यार से बात करेंगे कभी झगड़ा करेंगे तो उनका अलग संबंध हो गया तो ये तीन जो बताया तीनों का बिहेवियर एक एक दूसरे के लिए संबंध के हिसाब से एकदम डिफरेंट रहेगा एकदम अलग रहेगा ठीक है आदि लिख के फुल स्टॉप लगा दीजिए ठीक फिर उसके बाद अब देखो बैठा ही नहीं जाता है कि छह सात घंटे लगातार बैठा जाए हालत खराब हो गई है ना है ना आदत ही नहीं है इतना कि सुबह अब बताइए बहुत ज्यादा थोड़ी बैठ गए कितने बजे आए थे सुबह नौ बजे आए थे वो भी नौ बजे नहीं आए थे आराम से आवागमन करते हैं बापरे बाप पांच घंटे हो गए क्या <laughs> उसके बाद बीच में नाश्ता करने गए हैं पानी पीने गए हैं सब चल रहा है बराबर से, ठीक है? कम से कम छह सात घंटे की आदत रखनी पड़ेगी तब कुछ होने वाला है एकदम थक के हालत खराब हो गया है प्रोसेस में है हाँ तो धीरे धीरे बढ़ाया जाए अभी ज्यादा हो गया क्या एक साथ हाँ तो बोलना पड़ेगा सर से कितने घंटे क्लास रखना है सिर्फ अभी बता दीजिए आप लोग हो गया पढ़ाई तो हो गई फिर चलिए लिखिए इन इन विभिन्न संबंधों में इन विभिन्न संबंधों में कुछ संबंध इन विभिन्न संबंधों में कुछ संबंध संघर्षात्मक होते हैं इन विभिन्न संबंधों में कुछ संबंध संघर्षात्मक होते हैं और कुछ सहयोगात्मक समाज का चेहरा और कुछ सहयोगात्मक ठीक सहयोगात्मक के बाद फुल स्टॉप कर सकते हैं ठीक है समाज का चेहरा हमेशा प्रेम सहयोग समाज का चेहरा हमेशा प्रेम सहयोग और ममता नहीं होता है अच्छा हर तरह के लोग मिलते हैं ना अब जैसे संबंध की बात कर रहे हैं हम लोग तो कुछ तो एविल लोग ऐसे लोग भी मिलते हैं ना जो बिना बात के आपका बुरा चाहते हैं बिना बात के लेने का ना देने का कुछ भी है ना जबरदस्ती सोचेंगे कि ये थोड़ा परेशान हो जाए तो मजा आ जाए तो इस टाइप के लोग भी रहते हैं यानी समाज हमेशा अच्छा नहीं होता हर तरह के लोग होते हैं ठीक है ठीके? कुछ लोग इस धरती पे जन्म ही लिए रहते हैं कि आपको थोड़ा परेशान कर दिया जाए है ना <laughs> तो हर तरह के लोग हैं चलिए तो यही चीज बताया जा रहा है कि क्या है समाज का चेहरा हमेशा प्रेम सहयोग ममता से नहीं होता है इस चेहरे का एक पहलू बदसूरत भी होता है एक इस चेहरे का एक पहलू बदसूरत भी होता है समाज में संघर्ष झगड़े दंगे भी होते हैं समाज में संघर्ष झगड़े दंगे भी होते हैं लोग अपने पर्सनल रीजन से बड़े बड़े दंगे करा देते हैं ना भड़का देते हैं लोगों को कितने सारे लोग उसमें मारे जाते हैं ये कोई नहीं सोचता है है ना जिस समाज समाज का का जिस का, उजला पक्ष समाज का लक्षण है वैसे ही बदसूरत पक्ष भी समाज का ही अंग है तो इसको अपन कट ऑफ नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ अच्छी चीजें देख रहे हैं हम लोग जिस प्रकार समाज का उजला पक्ष समाज का लक्षण है वैसे ही बदसूरत पक्ष भी समाज का ही अंग है अतः लास्ट लाइन अतः जहां मतैक का अतः समाज जहां अतः समाज जहां मतैक मतैक मतलब अरे मत में एकता यानी एक जैसे मत रहे तो वो क्या कहेगा मतैक और अगर मतों में डिफरेंस होगा तो क्या कहलाएगा क्या होगा अलग अलग ओपिनियंस होंगे यही होता है ना ऐसा ही है ना सबकी एक जैसे ओपिनियन थोड़ी होते हैं हर एक मुद्दे पे क्या होता है लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है तो वैसा ही है ठीक है तो अतः समाज जहां मतैक का प्रतीक है वही संघर्ष का स्वरूप भी है वही संघर्ष का स्वरूप भी है ठीक है बोलने का मतलब समाज में अच्छाई भी है समाज में बुराई भी है ठीक है समस्याएं भी हैं। ठीक चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग क्षेत्रीयता में हो गया ना अच्छा इसमें क्षेत्रीयता नहीं है क्या हाँ चलिए बता देती हूं। अब यही संरचना आ गया लिख दिया इन्होंने क्षेत्रीयता की जगह सुन लीजिए इसको पहले फिर समझ के लिख लीजिए कि क्या बता रही हूँ ठीक तो क्षेत्रीयता क्या है तो बेसिकली क्षेत्र शब्द से क्या समझ में आ रहा है किसी एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग यही समझ में आ रहा है ना कि किस किसकी बात कर रहे हैं किसी एरिया की बात कर रहे हैं अब हम लोग यहाँ पे एरिया में सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं बॉर्डर के अंदर जो संस्कृति है उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं समाज पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे जो क्षेत्रीयता है आप जैसे मैं बोलूँ लोग बोलते हैं ना कि वो उसको सपोर्ट करता है क्योंकि वो उसके साइड का है बहुत बार होता है ना ऐसा आप बोलते हो ठीक है कि ये यह यहाँ का ही मालवी है ठीक है या बुंदेलखंडी है या बघेलखंडी है हम ऐसा बोलते हैं ना हमारे मध्य प्रदेश में तो ये मालवी होना या बुंदेल या बुंदेलखंडी होना होना बघेलखंडी क्षेत्र से ज्यादा संस्कृति की एकता को दिखाता है जो बघेलखंडी होंगे उनकी संस्कृति एक जैसी होगी जो मालवी होंगे उनकी संस्कृति एक जैसी होगी तो ये क्या है तो ये क्या हो गया क्षेत्रीयता यानी क्षेत्रीयता के हिसाब से हमारे अंदर क्या है विभिन्नता है हम एक दूसरे से क्या है अलग है लेकिन अगर अगर मान लो कोई बघेल बघेलखंडी व्यक्ति आ गया मालवा में तो क्या वो मालवी हो जाएगा नहीं होगा वो अपनी क्षेत्रीयता अपनी जो मैंने बोला कि क्षेत्रीयता मतलब बेसिकली अंदर से संस्कृति की बात हो रही तो उसकी संस्कृति वो लेकर आएगा अपने साथ चाहे वो मालवा में ही क्यों ना रहे अब जैसे अमेरिकन और, अमेरिका में कोई रहता है या अमेरिका में कुछ बड़ा काम किया तो अक्सर आप लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर वगैरह में आएगा तो आप पढ़ते हैं कि ये क्या है भारत भारतीय अमेरिकन है ऐसा वर्ड आ जाता है, है ना कि ये भारतीय है। वो वहाँ पे भी जाके कुछ काम कर रहा है यूएस में अब वो क्षेत्र से तो बाहर है अपने भारत के जो क्षेत्र है जो बॉर्डर है उससे तो वो बाहर है वो यूएस में है वो काम यूएस में कर रहा है पर वो कहला क्या रहा है भारतीय किस आधार पे कल्चर के आधार पे अभी देखा जाए तो उसका क्षेत्र क्या है उसका क्षेत्र यूएस ही है लेकिन वो कल्चरल तौर पे कहाँ का ही है भारत का ही है ठीक है तो क्षेत्रीयता भले बदल जाए अगर यहाँ पे क्योंकि बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्षेत्रीयता से संबंध है संस्कृति का भले बॉर्डर्स बदल जाए पर संस्कृति हमारी वही रहती है देखा जाए तो जिसलिए हम लोग क्षेत्रीयता यूज कर रहे हैं तो ये बोल सकते हैं कि क्षेत्रीयता वैसी ही रहती है अब दूसरे क्षेत्र में भी जाके अपने क्षेत्र वालों को सपोर्ट कर रहे हैं ये क्या है क्षेत्रीयता है ना तो अभी अच्छाई भी है बुराई भी है, है कि नहीं अगर सपोर्ट पे हम लोग आए जैसे समाज का दो पहलू देखा हम लोगों ने अच्छा चेहरा बुरा चेहरा तो अच्छा चेहरा बुरा चेहरा देखा तो उसमें क्या है दंगे वंगे देखे हम लोगों ने बुरे चेहरे पे तो दंगे वंगे के मेन कारण ये सब भी होते हैं पढ़े हैं ठीक है कि किस तरह की समस्याएं होती है लोग आपस में एक दूसरे से किसी रीजन से चढ़ते हैं तो उन रीजन में ये भी एक बड़ा रीजन होता है ठीक है चलिए लिखिए किसी भी संस्कृति का कोई ना कोई उद्गम क्षेत्र हाँ क्षेत्रीयता में किसी भी संस्कृति का कोई ना कोई उद्गम क्षेत्र अवश्य होता है उद्गम क्षेत्र अवश्य होता है प्रत्येक देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं होती हैं। ऑब्वियसली कि एक क्या होगा आपका बॉर्डर होगा ठीक जैसे कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी इस चीज को बघेलखंड बुंदेलखंड और मालवा में समझ लिया यही अभी बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग देश के ठीक है तो प्रत्येक देश की अंतर राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं इसी को देश की क्षेत्रीयता कहते हैं यानी ये इस क्षेत्र का है इस क्षेत्रीयता की भूमि से ही संस्कृति का जुड़ाव होता है यानी किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में कोई स्पेसिफिक टाइप की संस्कृति फॉलो की जाती है इस क्षेत्रीयता की भूमि से ही संस्कृति का जुड़ाव होता है यह संभव है कि यह संभव है कि किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली संस्कृति यह संभव है कि किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली संस्कृति अपने सदस्यों के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाती है अपने सदस्यों के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में पहुंच जाती है इस बोलने का मतलब क्या है पहुंच जाए ऐसा लिखे क्योंकि आगे और लिखाना है कॉमा लगाना है पहुंच जाए तो पहले ये बताइए इतना बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से इंग्लैंड जाता है या फिर अमेरिका जाता है तो अपना क्षेत्र छोड़ के जा रहा है लेकिन अपनी संस्कृति साथ लेकर जा रहा है ठीक है तो क्या है अपनी संस्कृति वो लेकर आया अब कोई यहाँ पे मालवा में हम बैठे हैं कोई बघेलखंड या बुंदेलखंड से आया है तो वो अपनी संस्कृति अपने साथ लेकर आया वहां छोड़ कर नहीं आया है वो कि अब वो यहाँ पे आके इसीलिए बोला ना मैंने कि वो मालवी नहीं हो जाएगा हम लोगों ने बहुत छोटे एग्जाम्पल से समझा ठीक है मध्य प्रदेश को भी हमने पार्ट में बांट के क्योंकि हमने इसको पढ़ा इसलिए हम मध्य प्रदेश के हिसाब से समझ रहे हैं ठीक है और हम इसी को समाजशास्त्र में इंडिया के लेवल पे बात कर रहे हैं ठीक है समझ आई क्या बोला मैंने सुना कि नहीं सुना सुना तो समझ में आई होगी लो <laughs> इसका कोई उपाय नहीं है ठीक है लिख लीजिए ये आखिरी टॉपिक ही लिखा रही हूं चलिए तो यह संभव है कि, कि किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली संस्कृति अपने सदस्यों के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाए ऐसी अवस्था में जिस क्षेत्र में उद्गम हुआ है यानी उस संस्कृति का जिस क्षेत्र में उद्गम हुआ है उसी क्षेत्र के नाम से संस्कृति की पहचान होगी उसी क्षेत्र के नाम से संस्कृति की पहचान होगी उसी क्षेत्र के नाम से संस्कृति की पहचान होगी उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए इंग्लैंड या न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीय इंग्लैंड या न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीय अपने आप को अपने आप को भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज का भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज का अंग कह सकता है जबकि तकनीकी दृष्टि से जबकि तकनीकी दृष्टि से कहां का हुआ वो जहां पे वो रह रहा है ठीक है जबकि तकनीकी दृष्टि से अमेरिका में रहकर वह भारतीय क्षेत्र में नहीं रह रहा है अमेरिका में रहकर वह भारतीय क्षेत्र में नहीं रह रहा है लेकिन कहला किसका हिस्सा रहा है भारतीय संस्कृति का या भारतीय समाज का हिस्सा कहला रहा है वो अमेरिका में रहकर वह भारतीय क्षेत्र में नहीं रहता है यानी प्रेजेंट कहाँ रह रहा है अमेरिका में और भारतीय क्षेत्र में नहीं रहता है ठीक महत्वपूर्ण बात यह है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस क्षेत्र में संस्कृति का उद्गम हुआ है जिस क्षेत्र में संस्कृति का उद्गम हुआ है उसी क्षेत्र के समाज के साथ उसे पहचान प्राप्त होती है उसी क्षेत्र के समाज के साथ उसे पहचान प्राप्त होती है ठीक तो ये क्या हो गई क्षेत्रीयता हां बस चिंता मत करिए ठीक तो ये हो गई क्षेत्रीयता बात समझ में आई बोलने का मतलब क्या है बेसिकली आप कहीं जा सकते हो लेकिन आपकी जो संस्कृति है वो आपकी जगह नहीं छोड़ेगी आप जगह छोड़ दी अलग की बात है ठीक है आप अंदर से उसी संस्कृति से जुड़े रहते हो ठीक समझ आ गई बात कोई समस्या बात समझी सारी कुछ ऐसी चीज नहीं थी कि जो समझ में ना आए बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीज थी बस उसी को बस अपने को ये डेवलप करना है कि उसी चीजों को लिखा कैसे जाता है और उसी चीजों को पढ़ाई कैसे बना दी अब ये ऐसी बात है कि पता तो सभी को था अब ऐसा थोड़ी है कि नहीं पता था आपको अंदर से जहा के हो वहीं के हो ना इंदौरी थोड़ी हो गए हाँ आपकी नेक्स्ट जनरेशन यहीं पर रह जाओगे तो जरूर वो इंदौरी हो जाएगी लेकिन आप इंदौरी नहीं हो अभी तो है ना हाँ चलिए ठीक है थैंक यू सो मच कल मिलते हैं